जांजगीर छत्तीसगढ़ शासन की गोदन न्याय योजना अंतर्गत स्थापित गोदान में बड़ी संख्या में महिलाएं गोबर से खाद बनाने के काम में संलग्न हैं। योजना अंतर्गत गोदान समितियों के द्वारा गोबर की खरीदी की जाती है। खरीदे गए गोबर को गोदान समिति के अधीन काम करने वाली महिला स्व सहायता समूह को खाद बनाने के लिए दे दिया जाता है। शासन द्वारा 2 रुपये प्रति किलो को दर से गोबर की खरीदी और बने हुए खाद को 10 रुपये प्रति किलो की दर से विक्रय करना तय किया गया था। स्व सहायता समूह से जुड़े लोग इस कार्य में 8 रुपये प्रति किलो लाभ मानकर जुटे थे। एक वर्ष पश्चात जब खाद की बिक्री और उसके भुगतान का समय आया तब उन्हें प्रति किलो 3.94 रुपये की दर से लाभांश दिया जा रहा था। यह स्व सहायता समूह की उम्मीदों पर पानी फेरने जैसा हुआ। समूह से जुड़े सदस्यों ने आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य से यह काम शुरू किया था। शुरुआती दौर में उन्हें बड़ा लुभावना सपना दिखाया गया था, पर सच्चाई कुछ और ही निकली। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रशांत सिंह ठाकुर ने इसे स्व सहायता समूह के साथ छलावा बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को एक प्रकार से ठगा गया है। गोदन न्याय योजना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आगे कुछ भी नहीं है। कागज और पोस्टरों से बहुप्रचारित इस योजना की जमीनी सच्चाई एकदम उलट है। शासन द्वारा इसकी सफलता के संबंध में जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें चालाकी करते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को छुपा दिया जाता है। कुछ दिनों पूर्व जांजगीर चंपा जिले के गोदान के संबंध में आंकड़े जारी किए गए थे। इन आंकड़ों में जिले के स्व सहायता समूह को खाद बिक्री से 6 लाख रुपये आमदनी प्राप्त होना दिखाया गया था, परंतु उक्त लाभांश राशि कितने समूह के मध्य वितरित की गई है ये नहीं बताया गया था। रिपोर्टा के गोठान में अभी हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ की महिला स्व सहायता समूह की बहनें जो खाद बनाने का काम करती हैं, उनको कुल 10,000 रुपया शासन की ओर से लाभांश दिया गया है। इस 10,000 रुपये को अगर हम डिवाइड करते जाएं 10 महिलाओं में तो लगभग उनको 3 रुपया के आसपास प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान हुआ है। अब एक दिन में अगर हम किसी श्रमिक को भुगतान किए जाने वाले राशि को देखें तो लगभग 180-190 रुपये के आसपास समान रूप से मजदूरी उनको प्राप्त होता है, लेकिन इस गोठान में जो महिलाएं खाद बनाने का काम कर रही हैं उनको 3 रुपया ही पारिश्रमिक एक दिन का प्राप्त हो रहा है और लगभग 88 रुपये के आसपास उनको महीने का मिला हुआ है। मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लेकर गोठान निर्माण में जो लोग इसकी योजना में जुटे हुए हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये आधी योजना को लेकर अगर हम जमीन पर जाते हैं तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। गोठान की योजना को अगर हम वास्तविक रूप से सफल बनाना चाहते हैं तो महिला स्व सहायता समूह को कोई अलग से अनुदान भी दिया जाना चाहिए।